रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र आखिरकार इस हफ्ते के 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ब्रह्मास्त्र का रिलीज से पहले ही बस बना हुआ है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स और अभिनेता खूब प्रचार कर रहे हैं। मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस के सूखे को खत्म करेगी। इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। दरअसल ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे बनाने में उन्हें लगभग 4 साल का समय लग गया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म में रणवीर, आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। बता दें कि अन्य फिल्मों की तरह ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। एडवांस बुकिंग के कलेक्शन बेहतरीन आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र के शानदार विजुअल्स ने दर्शकों में अपनी ओर आकर्षण करने में काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे दिन तक फिल्म की हिंदी में 5,46,00,000, तेलुगु में 15,45,000 और मलयालम में 5,62,00,000 रुपए की कमाई हो चुकी है। वहीं तमिल और कन्नड़ में भी अभी तक का क्रमांश 1 और 8 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। बता दें कि अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। ब्रह्मास्त्र का पहला भाग काफी लंबा होने वाला है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने CBFC UA सर्टिफिकेट की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि फिल्म को 12 साल के ऊपर के भी सभी दर्शक देख सकते हैं। वहीं 12 साल से छोटे बच्चे अपने गार्जियंस या माता पिता की गाइडेंस के साथ इस फिल्म को देख पाएंगे। ब्रह्मास्त्र 2 घंटे 46 मिनट और 54 सेकंड की फिल्म होगी। ब्रह्मास्त्र को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को IMAX और IMAX 3D में भी देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र का लोगों के बीच बस बना हुआ है, उस हिसाब से ओपनिंग डे पर फिल्म 20 से 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। इसके साथ ही ब्रह्मास्त्र साल 2022 की पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल होने के लिए तैयार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।